स्वामी जी, हमारा जो भारत है ये आर्य देश है, और भारत के अंदर गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो कि प्राय प्राय व्यक्ति पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं तो सुना भी है, क्योंकि कोर्ट के अंदर भी गीता पे हाथ रख करके शपथ खाई जाती है। उस गीता के अंदर निष्काम कर्म को जो है भगवान कृष्ण ने अर्जुन को पूरे 18 अध्याय में निष्काम कर्म के माध्यम से पूरा कार्य सिखाया और मुक्ति को गया। तो कृपया आध्यात्म विज्ञान जो हमारा आर्ट ऑफ विजन है उसको निष्काम कर्म से आप जोड़ के समझाइए, क्योंकि हम बहुत अभ्यस्त हैं निष्काम कर्म के माध्यम से करने को, सुनने को, हमारे रोम रोम में बसा हुआ है। इन दोनों चीजों का आप जोड़ करके प्रकाश डालिए ताकि हमारे श्रोता जो है बहुत उस चीज को अच्छी तरह समझ पाएंगे। या जय सच्चिदानंद। जो गीता के अंदर श्री कृष्ण भगवान ने जिस प्रकार से जीवन में जो कुछ भी क्रिया करते हैं, वो क्रिया करते करते हमारे जीवन में ये क्रिया करने वाला हम है, अगर ऐसी दृष्टि हमारे में से निकल जाए तो अपने आप हम इस क्रिया से अलग रह सकते हैं, इन क्रिया से जुड़े हुए राग द्वेष से अलग रह सकते हैं। तो कृष्ण भगवान ने अपने गीता में कहा है, कर्म निवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हे जीव, तू अपने जीवन में कर्म किए जा, मगर फल की इच्छा ना रख। मतलब है फल आपके कर्मों के मुताबिक मिलेगा, आपके कर्म फल के मुताबिक मिलेगा, मगर जो संजोग आते हैं इसको सामना करने की, इसको सुलटाने का आपकी क्षमता के मुताबिक आप प्रयास करते रहो। मगर प्रयास करते करते भी अगर आप असफल हो जाओ तो जीवन में डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ो। तो कहने का मतलब यह है कि आध्यात्म मार्ग भी यही कहते हैं कि गीता के अंदर जो लिखा है कि आप कोई भी संजोग है इसको चलाने वाला, करने वाला और मालिकी भाव वाला आप नहीं है और नहीं हो सकते हैं। मगर क्योंकि हम अपने जीवन के अंदर अज्ञानता के बस ये मेरा है, ये तेरा है, ये मैंने किया, ये आपने किया, या तो ये सुख दुख के भुगतान मेरी है या तो मैंने उसको सुख दुख दिया, ये जो मान्यता है ये मान्यता से हम बंधे हुए हैं। इस मान्यता से निकलने के लिए गीता में स्पष्ट कहा है कि आपका जो पूरा जीवन है जन्म से मृत्यु तक, ये पूरा जीवन अपने कर्मों के फलस्वरूप चलता ही रहेगा, हमको चलाना नहीं है। मगर हम इस अवस्था को दृष्टा के रूप में देखें, ज्ञाता के रूप में देखें, अलग हो के देखें, क्योंकि ये मन वचन काया जन्म से मौत तक चलता है, वो कुदरत कर्म सत्ता के अधीन चलाते हैं, मगर हम समझते हैं कि हमने चलाया। यही हमारी सबसे बड़ी अज्ञानता है, और वो अज्ञानता से ही नए कर्म राग द्वेष से चार्ज होते हैं, जिसके भुगतान नेक्स्ट बर्थ में आती है। तो इसीलिए इस बर्थ के अंदर आध्यात्म के मार्ग में जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति पाने के मार्ग में, अज्ञानता को निकालने के मार्ग में अगर आगे बढ़ना है तो ये दुनिया का सनातन सत्य, लॉ ऑफ नेचर या कुदरती कानून, जितना आपको समझ में आए, अनुभव में आए, इतना आप इस संसार में रहते हुए भी आप मुक्त रह सकते हैं, अलग रह सकते हैं, निष्प्रुह रह सकते हैं, आप समझे। तो ये ज्ञान विज्ञान के रूप में अप्लाई करना है, क्रिया के रूप में अप्लाई नहीं करना है। विज्ञान का मतलब होता है दृष्टि, और क्रिया का मतलब होता है मन वचन काया की सहायता से जो करते हैं वो है, तो दोनों अलग चीज है। इसीलिए विज्ञान कहता है कि आप मन वचन काया है नहीं, मन वचन काया चलाने वाले नहीं है, उससे आप संपूर्ण भिन्न है, अलग है,
सेपरेट है, और वही विजन हर अवस्था में हमको रहना चाहिए, ताकि जो मुक्तता की अनुभूति करनी है वो जुड़ के नहीं होगी, अलग होने से होगी। तो ये अलग होने का प्रयोग जितना आपके जीवन में करते रहोगे, तो कृष्ण भगवान ने खुद ने भी कहा कि राज पाट परिवार, ये घर चलाना, ये समाज को चलाना, देश को चलाना, राष्ट्र को चलाना, जीवन में युद्ध करना, शादी करना, परिवार को चलाना, ये सब कर्म फल है। मगर कर्म फल जो है उसका मैं करने वाला हूँ नहीं, बस यही दृष्टि रहेगी तो अपने आप मुक्ति की ओर आगे बढ़ोगे। उसका पहला प्रमाण मिलेगा, आपके अंदर कर्ता भाव मालिकी भाव खत्म होगा, और कर्ता भाव मालिकी भाव खत्म होने के साथ साथ ही राग द्वेष और अज्ञानता भी उनके साथ खत्म होती जाएगी।